नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, कई सारी महिलाएं ऐसे भ्रम में होती हैं कि उनके पीरियड साइकिल बहुत ही अच्छी है, पीरियड समय पे आ जाते हैं, लेकिन गर्भधारण फिर क्यों नहीं हो पा रहा है। सो फ्रेंड्स, ऐसी महिलाओं में एक डिजीज होती है जिसे कहते हैं ओवेरियन डिसफंक्शनल प्रॉब्लम। ओवेरियन डिसफंक्शनल प्रॉब्लम क्या होता है उसको जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये किसी प्रकार की एज लिमिटेशन वाली डिजीज नहीं है। ये खास करके उन महिलाओं में देखी गई है जो 18 साल से 30 साल के एज ग्रुप की होती हैं। यानी अगर आपकी एज कम है या ज्यादा है इससे कोई मैटर नहीं करता, अगर आपको काफी टाइम से कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो इस तरीके की ओवेरियन डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब चलिए विस्तार से जानते हैं कि ये परेशानी क्या होती है और इस कंडीशन में महिलाओं के अंडे क्यों नहीं बनते हैं और पीरियड क्यों आते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं के शरीर के अंदर जब ऐसी परेशानी होती है कि कंसीव नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं फिर भी, तो ऐसी महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होने के चांसेस होते हैं जो कि आम तौर पे 30 साल के अंदर की महिलाओं में देखे गए हैं। कभी कभार ये 30 साल के ऊपर की महिलाओं में भी होती है। तो अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर हो रही है। अब जब ऐसी परेशानी महिलाओं के शरीर में होती है तो एक एंड्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो कि मेल हार्मोन होता है। महिलाओं के शरीर में इसकी क्वांटिटी काफी कम होती है, लेकिन सर्डेन किसी भी वजह से, हार्मोनल इश्यूज के वजह से और इस जो डिजीज है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसकी वजह से इसका लेवल बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या होता है, महिलाओं के शरीर में एक LH हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसकी भी लेवल बढ़ जाती है। और इसी के अलावा एक और हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं FSH। FSH यानी कि मेडिकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो बैलेंस्ड है वो महिला के शरीर में यदि कम हो जाता है तो ऐसी महिलाओं में अंडे बनते नहीं हैं, बनते हैं तो फूटते नहीं हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है LSH, इसका काम होता है प्रमुखता से कि महिला के शरीर में अंडे का निर्माण ठीक समय पे हो, ठीक तरीके से इसकी फोलिकुलर मैच्योर हो पाए और साथ ही साथ ये ठीक तरीके से रप्चर भी हो जाए, यानी कि फूट जाए समय पे। अब जब ऐसा नहीं होता है तो इन महिलाओं में गर्भधारण के चांसेस कम हो जाते हैं। इसको डायग्नोस करने के लिए फ्रेंड्स किया जाता है ट्रांसवर्स और वजाइनल सोनोग्राफी। अब ये कब होता है, तो जब आपके पीरियड आती है उसके डे 2 या डे 3 से, यानी दूसरे या तीसरे दिन से आपकी ट्रांसवर्सल सोनोग्राफी जो की जाती है वजाइनल की, इसमें ये देखा जाता है कि जो आपके अंडे की क्वालिटी है वो भी कितनी सही है या अंडे पूर्ण रूप से खराब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अगर ऐसा कोई भी डायग्नोस में जो सिम्टम्स हैं वो दिखता है तो इसके बाद क्या होता है, ट्रांसवर्स वजाइनल सोनोग्राफी को करीब 3 से 5 बार किया जाता है पीरियड के बाद और ये 14वें दिन तक किए जाते हैं। यानी आपकी जो संभावित ओवुलेशन डे आती है उस टाइम तक इस सोनोग्राफी को किया जाता है। इसमें आपके अंडे की क्वालिटी और कंडीशन की जांच की जाती है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कमी है, अंडे नहीं बन रहे हैं, तो आजकल की इतनी एडवांस टेक्निक में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन उपलब्ध हैं जो अंडे बना भी सकते हैं और अंडे को समय पे फूटने के लिए तैयार भी कर सकते हैं। जनरली इसके लिए मेडिसिन दिए जाते हैं और इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। जिन महिलाओं को अंडे फूटने के इंजेक्शन दिए जाते हैं उनके अंडे को फूटने में 36 से 40 घंटे का समय लगता है। इसी दौरान हस्बैंड वाइफ को साथ में रहने को कहा जाता है और गर्भधारण के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। इन द वे अगर इस कंडीशन में भी गर्भधारण नहीं होता है तो आपको IUI के लिए सजेस्ट किया जाता है। IUI के द्वारा भी आपको कंसीवमेंट के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। जब आपकी एक की क्वालिटी खराब होती है, जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, जो मैंने इसके पीछे रीजन बताया है वो डायग्नोस्ड होता है उसके बाद। इसी के अलावा फ्रेंड्स, दूसरी कंडीशन ऐसी होती है जिनमें कि 35 से ऊपर जो फीमेल्स हैं उनमें प्री मैच्योर ओवरियन फेलियोर के सिम्टम्स और साइन देखे जा सकते हैं। इनमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है इसके अंदर जो एग रिजर्व्स होते हैं वो किसी कारणवश खत्म हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो महिला होती है बाय बर्थ एक
एक बैग के साथ जन्म लेती हैं। इस बैग के अंदर बहुत सारे एग होते हैं और जब महिला के पीरियड आने स्टार्ट हो जाते हैं तब ये बैग में से हर एक महीने एक अंडा निकलता है संपूर्ण रूप से तैयार होके, और इस अंडे की जो क्वालिटी होती है वो कम एज में अच्छी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सही समय पे बेबी के लिए प्लान करना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो एग की क्वालिटी अच्छी होती है, जो गुड क्वालिटी ऑफ अमाउंट एग होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और बहुत सारी महिलाओं में ये समय से पहले खत्म हो जाता है, यानी 35 से ऊपर ऐसी महिलाओं में और 45 से अंदर ऐसी महिलाओं में देखा गया है कि एग रिजर्व्स पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाते हैं। ऐसी भी महिलाओं में लगातार प्रयास करने के बाद भी कंसीव नहीं होता है, तो इनके लिए सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो IVF का होता है, जिनके लिए इनको सजेशन किया जाता है। IVF के द्वारा भी आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। ये ऐसी परेशानी है जिसके लिए आपको डायग्नोस के लिए ट्रांसवर्शन सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। इसके लिए कोई होम रेमेडी नहीं होती है जिससे कि ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए। हाँ, एक चीज आप जरूर कर सकते हैं, ये सारी परेशानी होती है हार्मोन से जुड़ी हुई, तो हार्मोन को बैलेंस्ड में रखने के लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, और साथ ही साथ फ्रेंड्स की आपके हस्बैंड में भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कई बार महिलाओं में परेशानी नहीं होती, हस्बैंड के जो सीमन होते हैं इसमें स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी कम होने की वजह से भी गर्भधारण नहीं होता। तो बेसिकली बहुत सारी जो आपको स्टेप्स बताई जाती हैं, मेडिकल जांच किए जाते हैं, वो आपके लिए ही होते हैं और आपको जल्द से जल्द गर्भधारण कराने के लिए होते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आगे भी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना रखिए पूरा ध्यान, टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।